छोटे लड़कों को देखे ना, गुठली लेके चबाते रहता है, पूरा चीसेगा, पूरा गिर जाएगा तो फिर उठा के खा लेगा धो के। भगवान। अगर तुम 9वीं क्लास के ऊपर के बच्चे हो लेकिन फिर भी तुम खान सर को नहीं जानते, तो समझ लो कि पढ़ाई से तुम्हारा दूर दूर तक कोई रिलेशन या रिश्ता नहीं है। क्योंकि आज के डेट में चुन्नू से लेकर मुन्नू तक हर एक बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई को ज़्यादा भाव दे रहा है, और खान सर भी एक ऐसे ही लेजेंड है जो ऑनलाइन ज्ञान देते हैं। अब ऑनलाइन ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है खान सर में जो कि उन्हें ग्रेट और लेजेंड बनाती है? तो वीडियो को एंड तक देखना, वरना कोई भी साइकोलॉजिकल बातें तुम्हारे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। नंबर वन पे जो रीज़न है वो है हिज टॉकिंग वे। अब अगर कोई भी बंदा है वो चाहे कितनी भी फनी बातें कर ले या फनी बातें बता ले, तब तक हंसी नहीं आएगी जब तक कि वो फनी तरीके से ना बताए। और खान सर की यही सबसे बड़ी बात है कि वो किसी भी बात को फनी बना देते हैं, भले ही वो रोने वाला क्यों ना हो। तो अगर तुम्हें भी फनी वे में किसी भी टॉपिक को समझना है तो तुम इस चैनल में जरूर जा सकते हो। अब जो सेकेंड रीजन है वो है रिलेटेड इवेंट। तुम अगर खान सर की रेगुलर वीडियोस देखते होगे तो तुम्हें ये बात ज़रूर पता होगी कि वो जो भी बात बोलते हैं वो लोगों की आम जिंदगी से जुड़ी हुई होती है, और एक्चुअल में वो होती है। जैसे कि आज के डेट में सरकारी नौकरी की डिमांड ज़्यादा है, और अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो डजेंट मैटर कि तुम्हारी शक्ल कैसी भी हो, तुम्हें मन चाही पापा की परी जरूर मिलेगी। अब एट द लास्ट एंड द फाइनल रीज़न है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सभी स्टूडेंट को पसंद आता है और इसीलिए वो उस चैनल को देखती है। खान सर के जो पढ़ाने का तरीका है वो सबसे हटकर है, और वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि टॉपिक को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाए और उसकी जो लैंग्वेज हो वो लोगों से रिलेट करे। डजेंट मैटर कि वो उस टॉपिक को भोजपुरी में एक्सप्लेन करे या हिंदी में। और अगर तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मैं भी यही कहूँगा कि तुम्हारा एक्सप्लेनिंग वे मैटर करता है, ना कि तुम्हारा लैंग्वेज, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज बुरा या अच्छा ज़्यादा नहीं होता। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।